तो भाई सभी लोग का स्वागत है आज के नए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो दोस्तों मेरे जिगर चलो मेरे प्यारे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ना बहुत ही ज्यादा अच्छे एंड बड़े हो गए। तो देखो तुम सबके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाई अपने यहाँ पे कोबरा बंडल नहीं आया, तो कोबरा बंडल कब तक आएगा, उसका जो रिंग इवेंट है वो अभी तक क्यों देखने को नहीं मिला है प्लीज बता दो भाई। तो वो सारी जो डिटेल है ना इस वीडियो के अंदर मैं एकदम कवर करने वाला। चलो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों आपको क्या करना है, बस वीडियो को एंड तक जो से वॉच कर लेना है। तो जी भाई देखो अगर आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच करते हो ना तभी जाके आप लोग अच्छी इन्फॉर्मेशन रिसीव कर पाओ। देखो भाई अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है ना तो छोटा सा लाइक है मैं 50 लाइक है तो प्लीज लाइक जो से कर देना। देखो लाइक करना एकदम फ्री होता है तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जो से कर। देखो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई यार अपने 12 के कैसे होंगे। देखो 12 के काफी तक क्लोज आ चुके हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी शर्मान मत भैया, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम लोग करते वीडियो को स्टार्ट। पहले मेरे भाई यहाँ पे कमेंट करके बोलते हैं कि भाई दिवाली कार्निवल इवेंट का रिव्यू करा रहा, जैसे कि भाई ने कहा है तो भैया भाई की जो हुक्म है वो सड़कों पे है। तो भाई देखो दिवाली कार्निवल इवेंट अपन सबको पिछले साल देखने को मिला था लेकिन इस बार दोस्तों अपन सबको यहाँ पे इवेंट सेम ही होगा। मतलब कि देखो जैसे पिछली बार अपन सबको बहुत सारे बंडल्स और जो रिवॉर्ड्स थे ना वो अपन सबको देखने को मिले थे ना, बंडल तो वही होंगे। मतलब बंडल्स भी अपन को ओल्ड देखने को मिलेंगे, इमोट्स भी देखने को मिलेगी, उनकी स्क्रीन भी देखने को मिलेगी और इवेंट बिल्कुल सेम टू सेम ही होगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा नाम वगैरह कहीं ना चेंज कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये आपको पता है पहले दिवाली विश इवेंट आया था फिर दिवाली कार्निवल इवेंट आया, तो इस बार आपको होस्ट को थोड़ा नाम वाम चेंज करके ना दे दे बट आपको इवेंट यही देखने को मिलने वाला है। बोलते हैं कि भाई इवो पनांजा इवेंट कब तक आएगा, तो देखो भाई इवो पनांजा जो इवेंट है ना आपको नेक्स्ट मंथ यानी दिवाली स्पेशल देखने को मिल सकता है। अगर आप इवो पनांजा इवेंट का वेट कर रहे हो तो बस आपको नेक्स्ट मंथ का वेट करना है एंड आपको यहाँ पे इवो पनांजा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अब जो कमेंट के बोलते हैं कि भाई रैम्पेज का इवो बंडल कब आएगा, रैम्पेज की जो इवो की फिस्ट की स्किन है और जो बाकी चीजें वो कब आएगी। तो सबसे पहले बात करें रैम्पेज की बंडल के बारे में, तो देखो भाई आपको पता है कि अपने यहाँ पर अपनी गेम के अंदर रैम्पेज का जो इवेंट है ना अब वो कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि जैसे इवेंट आता है ना पूरा एक कॉलेब्रेशन रिटर्न होता है ना तो वो तो देखने को नहीं मिलेगा। उसके जो बंडल्स वगैरह है ना तो वो अपन सबको रिटर्न देखने को मिलेंगे। जी हाँ भाई एकदम सही सुना आपने, ये जो बंडल ना अपन सबको यहाँ पे देखने को मिलने वाले यहाँ पर अपन को पॉसिबल है कि दिवाली इवेंट के बाद। तो जी हाँ भाई आपने यहाँ पे सही सुना है, दिवाली इवेंट के बाद पॉसिबल है कि आपको रैम्पेज के यहाँ पे जो बंडल्स है ना वो रिटर्न देखने को मिल सकते की थीम पे बनाया गया बंडल जो कि इंक स्टोन नाम है इस बंडल का, तो ये भी अपनी रैम्पेज की थीम पे है। तो भाई ने पूछा कि ये वाला बंडल कब आएगा, तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि रैम्पेज के जो बंडल्स हैं दिवाली इवेंट के बाद पॉसिबल है देखने को मिल सकते हैं, तो उसी के टाइम पे आपको ये वाला बंडल भी देखने को मिल जाएगा। उनके बोलते हैं कि भाई अपने यहाँ पे आर्टिकल बंडल अपन सबको कब तक देखने को मिलेगा, तो देखो बात इसी की अपने यहाँ पे आर्टिकल बंडल ऑलरेडी अपने होली के टाइम पे रिटर्न आ चुका है, तो इसको वापस अगर आप लेना चाहते हो तो नेक्स्ट जो हमारे 2025 की होली इवेंट आएगा ना तब तक का मेरे भाई आपको वेट करना पड़ेगा। फिर उनके बोलते हैं कि भाई जो हमारी पोकर की स्किन है एमएट संगन की स्किन है क्या इनके जो टोकन होंगे वो यूनिवर्सल टोकन होंगे, तो जी ने भाई ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, इनके टोकन अलग आपको देखने मिलेंगे और केवल उसी रिंग इवेंट में ये टोकन यूज हो पाएंगे, अदर रिंग इवेंट में यूज नहीं हो पाएंगे। तो अगले बार उनके बोलते हैं कि भाई जो अपनी न्यू जो बर्ड वाली स्काइविंग की स्किन आई है ना तो उसकी आप कंफर्म डेट बता सकते हो कि यूट्यूब पे कोई नहीं बता पा रहा, तो भाई आपने मुझे इस काबिल समझा इसके लिए आपको मेरे दिल से धन्यवाद देता हूँ। भाई ने पूछा कि न्यू बर्ड वाली स्काइविंग स्किन, तो देखो ये बात ऐसी कि ये अपनी न्यू गोल्डन शेड बंडल की डिजाइन के ऊपर, मतलब जो न्यू गोल्डन शेड बंडल आने वाला है ना तो उसी की थीम पे ये डिजाइन की गई है और ये जो न्यू गोल्डन शेड है दोस्तों अपन सबको यहाँ पे दिवाली के टाइम पे देखने को मिलने वाला, तो पॉसिबल यही है कि इसी के साथ इसके जो जितने भी भाई यहाँ पे रिंग इवेंट्स हैं ना रिंग इवेंट्स हैं फेड अवेल इवेंट है तो उनके अंदर आपको ये जो हमारी जो एनिमेशन इमोट है स्काइविंग किसके नहीं सबके सब उसके अंदर देखने को मिल जाएगी दिवाली इवेंट के अंदर। ठीक है अगले बार उनके बोलते हैं कि भाई अपने यहाँ पे ए डब्ल्यू की स्किन कौन से इवेंट में आएगी, तो देखो बात ऐसी कि अपने यहाँ पे जो ए डब्ल्यू की स्किन अपन सबको यहाँ पे एक रिंग इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाली है। अब देखो ए डब्ल्यू एम एक्स करके ना यहाँ पे एक और रिंग इवेंट गई ना बन सकते, देखो भाई क्या होता है कि जो हमारे इंक्यूबेटर की स्किन होती है उनको दो को मिला के गई ना एक रिंग इवेंट बनाती है। जैसे भी अगर आप ना अपनी गेम के अंदर चेक करोगे अपनी ऑलरेडी रिंग इवेंट चल रहा है MP5XA94, तो ऐसे करके ना AWMX करके ना यहाँ पे एक और रिंग इवेंट गई ना ऐड करेगी, टोटल 8 रंग की स्किन आपको उसके अंदर देखने को मिलेगी और ये जो रिंग इवेंट है दोस्तों आपको मेरे पास बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। हाल फिलहाल मैं आपको कन्फर्म डेट नहीं पा सकता लेकिन जैसे मुझे इस अपडेट मिलती मैं आपको जरूर से इन्फॉर्म कर दूंगा। बोलते हैं कि भाई प्लीज आई एम ए बिग फैन, थैंक यू सर जी। और भाई बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे कोई भी ट्रॉगन की स्किन आने वाली क्या, तो जी ने भाई अभी ट्रॉगन
अंकल की स्केल हाल फिलहाल तो कोई भी देखने को नहीं मिलने वाली है। और लास्ट अपनी यहाँ पे जो आपने मतलब पीक की थीम के ऊपर गेन डिजाइन की थी ना, तो वही अपन सबको देखने को मिलती। लेकिन दोस्तों अभी इससे टिप को भी यहाँ पे अपडेट नहीं मिली, जैसे कोई ट्रॉगन की स्किन मिलती है मैं आपको जरूर से इन्फॉर्म कर दूंगा। उनके बोलते हैं कि भाई मेरी आईडी में आर्ट ऑफ वॉर यूएमपी की स्किन नहीं है, तो ये अपन को फ्री कब मिलेगी? देखो भाई बात ऐसी कि आप अपन को ये कभी भी फ्री में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक रेयर गन की स्किन अब बन चुकी है, ठीक है। पहले के टाइम पे अपन को फ्री में मिल चुकी थी, बट अब नहीं मिलेगी। और ये रिटर्न आएगी अपने दिवाली कार्निवल इवेंट, मतलब कि जो दिवाली का विश इवेंट आएगा ना, उसके अंदर अपन को रिटर्न देखने को मिलेगी। अगर आप निकालना चाहते हो तो उसके अंदर से निकाल सकते हो। यहाँ पे जैसे कि ये बहुत सारे कमेंट्स थे, तो मैंने सबका यहाँ पे रिप्लाई कर दिया, सभी के जो कुछ प्रॉब्लम थे उनका सॉल्यूशन दे दिया है। आई होप कि आपका भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, अगर रह जाता है तो बस कमेंट पे पूछना, नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो एक छोटा सा लाइक है, 50 लाइक है तो इसे लाइक जैसे कर देना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जैसे कर देना, जिससे आपको डेली ऐसे कंटेंट के लिए मिलते रहे। मेरे प्यारे प्यारे भाई, मेरे प्यारे प्यारे जी, चलो बात करते हैं कि अपना कोबरा बंडल अपन सबको कब तक देखने को मिलेगा। तो देखो ये बात ऐसी कि अपने यहाँ पे जो कोबरा बंडल है ना, इसका जो रिंग इवेंट, अब देखो बहुत सारे भाई लोग यहाँ पे ये भाई जुगाड़ लगा रहे हैं कि भाई अभी ना कोबरा भी हॉट रेट ना आ गए ना, तो अपना कोबरा बंडल ही अपन को इसी महीने के अंदर देखने को मिलेगा। तो भाई देखो ऐसी अभी तक गेनर ने कोई भी अपडेट नहीं दिया यहाँ पे। अभी मैंने काफ़ी सारे भाइयों की वीडियोस भी देखी, उसके अंदर बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पे अपन को इसी महीने के एंड में जो कोबरा बंडल रिटर्न देखने को मिल जाए, कि मेरे भाई यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो मैं आपको सिंपल सी बताया, देखो दोस्तों गेनर ने पहले ही ये नोटिस दे रखा है कि भाई अपन सबको कोबरा बंडल से पहले ना अपने यहाँ पे जो क्रिम्सन मंडल है दोस्तों, अपने जो स्कॉर्पियन मंडल है ना, वो रिटर्न देखने को मिलेगा और वो अपन सबको यहाँ पे नेक्स्ट मंथ देखने को मिलने वाला। तो जी हाँ भाई, यहाँ पे अपन सबको जो अक्टूबर मंथ आएगा ना, उसके अंदर क्रिम्सन मंडल यानी जो अपना स्कॉर्पियन मंडल है 100% कन्फर्म है कि रिटर्न देखने को मिल जाएगा। उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे नेक्स्ट वर्ल्ड का रिव्यू कराया, अगर आप उसको वॉच करना चाहते ना तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके ना पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखो भाई जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अपना क्रिम्सन मंडल पहले आएगा, उसके बाद ही अपन सबको कोबरा बंडल रिटर्न देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात दोस्तों, अपन सबको यहाँ पे नेक्स्ट मंथ ना कोबरा बंडल, माफ करना जो कोबरा बंडल नहीं है बल्कि हमारा जो स्कॉर्पियन मंडल है रिटर्न देखने को मिलेगा। और स्कॉर्पियन मंडल का जैसे इवेंट खत्म होता है ना, उसके एक से दो महीने के बाद ही अपन सबको जो कोबरा बंडल है उसका रिटर्न इवेंट देखने को मिलेगा। मतलब ये मान के दोस्तों कम से कम इसको रिटर्न आ देते हैं या तो नवंबर मंथ का एंड में या फिर दिसंबर मंथ के एंड में आपसे को कोबरा बंडल रिटर्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज नहीं जाता, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो कि वैसे अंदर और कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझसे पूछना, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। देखो तुम सबको यहाँ पर ना एक ब्लू लॉक नाम का एक न्यू कॉलिब्रेशन देखने को मिले, जो कि इसी महीने के एंड तक आपको देखने को मिल सकता है। अब देखो भाई ये जो फार्मास की स्किन आपको देखने को मिल रही ना, ये हमारे ब्लू लॉक की फार्मास की स्किन है। आप लोग बोले भाई ऐसा क्या है इसके अंदर? तो देखो भाई यहाँ पे इसका लोगो बन रहा है, जो कि यार काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, स्टाइलिश भी दिख रहा है। तो ये अपनी न्यू फार्मास की अपन सबको यहाँ पे न्यू फेडरवेल इवेंट में देखने को मिलने वाली है। मैक्सिमम आपके यहाँ पे 1100 से लेकर 1200 डायमंड लगेंगे एंड आपको ये फार्मास की स्किन मिल जाएगी। अगर आप लोग अच्छी लगे तो ही इसको निकालना, वरना भाई डायमंड वेस्ट करना इसके ऊपर। इसी से रिलेटेड दोस्तों आप सबको यहाँ पे एक न्यू लक रॉयल इवेंट देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर भी आप सबको ना हमारी ब्लू लॉक की काफी ज्यादा मस्त मस्त इमोट देखने को मिलेगी। अब देखो भाई पहली इमोट हमारी ये होने वाली है कि भाई एकदम हवा को रोक देगी, स्लो मोशन कर देगी, जैसे कि देख पा रहे मैं कर देता हूँ, जैसे कि मैंने इस इमोट पे टैप करा है। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो भाई हवा चली है सनसनासन, और ये देखो भाई फुटबॉल को रोक दिया और यहाँ पे कितना ज्यादा स्लो मोशन में इसको किक किया। कुछ भी बोलो भाई, एनिमेशन तो एकदम कमाल का है भाई, मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आई है, ठीक है। अब भाई ये तो हमारी पहली मोड, दूसरी मोड आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो भाई, ये भी मोड मुझे काफी हद तक सही लगी है। जैसे कि देख पा रहे हो भाई यहाँ पे स्लो मोशन में टाइप के ना, यहाँ पे जो हमारा पीछे जो गोल होता है गोलकीपर वाला, जिसके अंदर गोल करते हैं, तो वो भी गई ना देर ऐसे ही हिट करेगा ना, तो ये डायरेक्ट उसके अंदर पहुंच जाएगा। तो भाई काफी ज्यादा ये वाली भी अच्छी मोड लगी है। और थर्ड इमोट आप लोग यहाँ पे भाई देख पा रहे हो, ये जो थर्ड इमोट है ये टीम वाली इमोट है, जैसे आपका पार्टनर यहाँ पे देखो पहले डांस करेगा फिर भाई आपके जूते साफ करके ना चमका देगा। तो भाई ये होता है अपने यहाँ पर, जब भी आप मतलब किसी को भाई यहाँ पे हरा दोगे तो उसके अपने जूते साफ कराना, तो इसलिए काफी अच्छी इमोट मुझे लगी। तो टोटली ये तीन इमोट आपको देखने मिलने वाले हमारे ब्लू लॉक की थीम के ऊपर, तो काफी हद तक सही लगी है। इसके बाद इसका एक न्यू रिंग इवेंट जो कि मैं आपको एक बार दिखाया था, ये जो रिंग इवेंट है ये कोई नॉर्मल रिंग इवेंट नहीं है, उसके अंदर हमारे लेजेंडरी बंडल्स हैं। तो भाई आप लोग पहला बंडल देख पाओ, ये बंडल देखो मुझे सोचा था भाई इतना ज्यादा खास लगा है नहीं, तो एकदम नॉर्मल सा बंडल है, ठीक है। तो इस बंडल के लिए मैं एकदम भी स्पिन नहीं करूंगा, पर यहाँ दूसरा ही वाला बंडल देखो भाई कितना ज्यादा ओपी है। इसके देखो यहाँ पे ये जो ड्रेस है इसकी खास कुछ बात है, जैसे कि यहाँ पर भाई आपको मैं यहाँ पे इसकी कुछ खास एबिलिटीज दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोग देखो भाई यहाँ पे ना इसके शॉर्ट्स वगैरह भाई यहाँ पे कुछ हरा हरा सा एनिमेशन देखने को मिल रहा है। इसकी जो एबिलिटीज है काफी अच्छी एबिलिटी है, जैसे कि भाई यहाँ पे ना आप किसी भी मतलब देखो सबसे पहले मैं इसको दिखाया था रिव्यू में जाता हूँ। एंड देखो भाई यहाँ पे जब दौड़ेगा ना देखो भाई इसके पीछे से यहाँ पे स्टार टाइप का निकल रहा है ग्रीन ग्रीन कलर। दोस्तों किसी को भी मेरे पे क्लिक करेगा ना तो वहाँ पे देखो एक नोटिस
नोटिफिकेशन आया, किल नोटिफिकेशन आएगा, काफी अच्छा लगा है। दूसरा भाई यहाँ पे नॉकडाउन करेगा तब भी एक किल नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो मुझे तो काफी अच्छा लगा एंड अट्रैक्टिव भी लगा है। तो दोस्तों ये तो हमारा ब्लू लॉक का कोलैबोरेशन जो कि आपको इसी महीने के एंड देखने को मिलेगा एंड इसके रिवॉर्ड जितने भी थे मैंने आपको रिव्यू करा दिया। अगर आपको कोई भी रिवॉर्ड पसंद आता है उसके लिए भाई आप लोग डायमंड जो से बचा के रख लेना। एंड आई होप को आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल उसका नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट से कर देना जिससे आपको डेली ऐसे कंटेंट इसलिए मिलते रहेंगे। सो मिलते करो इसी वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।